इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने गलती को स्वीकार करना सीखना होगा, क्योंकि यही सफलता का पहला कदम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल गुरु 1111। सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के गुणों और अवगुणों की पहचान करनी होगी। अपने गुणों और गलतियों से सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। गलतियां उन्हीं से होती है जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते ही नहीं उनसे गलतियां होने का कोई चांस ही नहीं है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हम अपने आसपास या अपने घर के सफल इंसान से सीखते हैं, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा तमाम देश विदेश में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक जानकारियां इकट्ठा करते हैं कि आखिर वो अपने जीवन में सफल कैसे हुए, उनकी संघर्ष की कहानियां पढ़ते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ने व सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको सफल होने के लिए अपने भीतर के गुण और अवगुण को पहचानना होगा। जब तक आप अपने गुणों को नहीं पहचानेंगे, आप अपने अवगुणों को नहीं पहचानेंगे, चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल इंसान का जीवनी क्यों ना पढ़ लें, उसका अनुसरण क्यों ना कर लें, आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जो गुण उस सफल इंसान में है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वही गुण आप में भी है। हर व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। सफल होने के लिए आपको अपने अंदर के गुणों को पहचानने की कला सीखनी होगी, क्योंकि आपके गुण ही आपको सफलता दिलाने में मददगार होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में एक खास गुण होता है जो उसे सक्सेस दिला सकता है। और ये गुण क्या है, ये आपको दूसरा कोई नहीं बता सकता, ये आपको खुद ही पहचानना होगा कि आपके अंदर वो क्या ऐसा गुण है जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं, जो आपके अंदर विशेष है। इसीलिए आपको अपने अंदर के गुणों को पहचानने की कला सीखनी होगी। इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने गलती को स्वीकार करना सीखना होगा, क्योंकि यही सफलता का पहला कदम है। क्योंकि आप अपनी गलतियों से बचकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए गलतियों को स्वीकार कर इसे दोहराने के बजाय इसे सुधारने की कोशिश करें। नकल करना एक तरह से भेड़ चाल चलना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि वो ये काम करके सफल हो गया, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी वही काम शुरू करके सफल हो जाएंगे, और वो काम शुरू भी कर देते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जो गुण उस व्यक्ति के अंदर थी, ये कोई जरूरी नहीं है कि वही गुण आपके अंदर है। और जब आपके अंदर वो गुण है ही नहीं, तो आप उसका नकल करके कैसे सफल हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी का नकल ना करें। अगर दूसरे की नकल करके व्यक्ति सफल हो भी जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्लॉप होगा ही और ना ही उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। अपने काम को करने के लिए, अपने सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों की मदद लें। कभी भी खुद को संपन्न और दूसरों को कम ना आंकें, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्णतया संपन्न नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां होती ही हैं। और कभी भी किसी दूसरे इंसान को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी हो जो आपके पास ना हो और वो उसी क्वालिटी से आपको मार्क दे दे। इसीलिए कभी किसी को कम ना आके दूसरों की मदद लें, और कभी ये खुद को ना समझे कि हम संपन्न हैं,
हमें किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भविष्य में आपके लिए नुकसान बन सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी दूसरों की मदद लेने से ना हिचकिचाएं। बस इतना ही, धन्यवाद।